सांसद रजिता कोहली को एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया है। अस्पताल की इमरजेंसी में कार्डियो न्यूरो मेडिसिन विंग में सांसद को लाया गया है। वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम इस समय सांसद का हेल्थ चेकअप कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी के महिला मोर्चा द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया सरकार के खिलाफ, और ऐसे में सांसद रंजिता कोहली भी इस प्रदर्शन में पहुंची हुई थी और उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, तो भरतपुर की सांसद को एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया है। कार्डियो न्यूरो मेडिसिन विंग के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें लाया गया है। अभी फिलहाल डॉक्टर्स रंजिता कोहली का चेकअप कर रहे हैं। तो जब ये मोर्चा आगे बढ़ रहा था और पुलिस के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही थी, उसी दौरान सांसद रंजिता कोहली की तबीयत अचानक से खराब हो गई और इमरजेंसी में उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया है और अभी कार्डियो डिपार्टमेंट में इस समय उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है। उम्मीद यही है कि उनकी तबीयत बेहतर हो। सांसद रंजिता कोहली की तबीयत बिगड़ गई है। आज राजधानी जयपुर में बीजेपी के महिला मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में रंजिता कोहली पहुंची थी। हमारे सहयोगी सतवीर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर, अभी फिलहाल कैसी तबीयत बताई जा रही है सांसद रंजिता कोहली की? जी देखिए, अभी उनकी जो तबीयत है वो यहाँ पर खराब है। उसके बाद में उन्हें जो अभी सिटी स्कैन कराने भेजा है और वहाँ पर उनका सिटी स्कैन है वो कराया जा रहा है। फिलहाल उनकी जो तबीयत है, डॉक्टर जो जांच है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति अब फिलहाल जो बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जाते हैं जो उनकी जो लिखी भी वो वहाँ पर की जा रही है। और उन्होंने कहा कि अभी जो डॉक्टर है वो यहाँ पर उनका हेल्थ चेकअप वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ और कार्यकर्ता भी यहाँ पर जो प्रदर्शन में शामिल लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको यहाँ पर इस समय अस्पताल में जो भर्ती है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। जो इस प्रदर्शन के दौरान जो घायल हुए थे उन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। फिलहाल आप जी चलिए, शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सांसद रंजिता कोहली का भी फिलहाल हेल्थ चेकअप हो रहा है, उनका सिटी स्कैन हो रहा है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है उनकी अभी।